हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच नया अपडेट लेके आया हूँ। नया अपडेट क्या है, देखिए, बिहार विकास मित्रा क्या है। बिहार विकास मित्रा, बिहार बने विकास मित्र सरकार देगी हर महीने इतने रुपये। जानिए कैसे कर सकते हैं आवेदन। बिहार में बनेंगे विकास मित्र सरकार देगी हर महीने इतने रुपये। जानिए कैसे करें इसका, कैसे कर सकते हैं आवेदन। तो बिहार विकास मित्र भर्ती सरकार देगी हर महीने इतने रुपए। जानिए कैसे करें आवेदन। बिहार सरकार की तरफ से बिहार की पंचायतों में खाली पड़े विकास मित्र के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो बिहार में सरकारी नौकरी के लिए की तलाश में है। जानिए क्या है योग्यता। सरकार देगी हर महीने इतने रुपये। पात्रता एवं जरूरी कागजात बिहार विकास मित्र के लिए कैसे करें। विकास मित्र बहाली 27 दिन में पूरा करने का लक्ष्य। मात्र कितना दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, 27 दिन में। इच्छुक उम्मीदवार बिहार विकास मित्र भर्ती से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, वायु सीमा, दक्षता एवं पात्रता मापदंड के आधार पर अपना आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं बिहार मित्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जानिए क्या है योग्यता। बिहार विकास मित्र बहाली के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के होने के लिए होने चाहिए। इसके अलावा उनकी उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार मैट्रिक पास होना चाहिए। उम्मीदवार को क्या क्या कंडीशन करना फॉलो करना, 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इससे उम्मीदवार को कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। सरकार देगी हर महीने इतने रुपए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग मित्र वेतनमान 15,481 निर्धारित तो देखिए अनुसूचित जनजाति अनुसूचित कल्याण विभाग विकास मित्र का वेतनमान 15,481 निर्धारित किया। इसके अलावा स्टैंडिंग भत्ता 900 रुपये, परिवहन भत्ता 900 और संचार मोबाइल भत्ता 250 रुपये दिए जाएंगे। तो देखिए अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार महादलित विकास मिशन विकास मित्र सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करें। विभिन्न सरकार कल्याण विभाग योजना प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करना है। विकास मित्र नियुक्ति वित्त प्रपत्र के अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आवेदन की मांग की जाती है। विकास मित्र के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के साथ 15,400 प्रति माह भुगतान किया जा रहा है। परिवहन भत्ता 900 रुपये, स्टैंडिंग भत्ता 200, संचार भत्ता 250 रुपये। इसके अलावा बिहार विकास मंत्री मित्र भर्ती से जुड़ी ज़्यादा जानकारी आप अपनी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। पात्रता एवं जरूरी कागजात बिहार के विकास मित्र के पदों के लिए आवेदन के लिए आपके पास निम्न कागजात होने चाहिए। मैट्रिक पास, शैक्षणिक दस्तावेज, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। बिहार विकास मित्र के लिए करें आवेदन। बिहार विकास मित्र के लिए आवेदन प्रखंड कार्यालय या नगर कार्यालय से मिलेंगे। उम्मीदवार आवेदन अपने उम्मीदवार को संबंधित प्रखंड कार्यालय में जमा करेंगे। आवेदन का अंतिम तिथि विज्ञापन जारी होने के 10वें दिन तक है। क्या है महादल पात्रता और जरूरी कागजात। तो विकास मित्र अपने आवेदन को प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास देंगे, जहां से प्रखंड विकास पर SDO के यहां भेजेंगे। SDO इसको पूरी जांच पड़ताल करके रिपोर्ट बनाकर विभाग को भेजेंगे। इसके तहत विकास मित्र की वाली पूरी होगी। अधिक जानकारी के लिए इतने नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर दिया गया है। विकास मित्र बहाली 27 दिन में पूरा करने का लक्ष्य। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने विकास मित्र बहाली प्रक्रिया 27 दिन में पूरा करने की रखा है। विभाग ने मेधा सूची की तैयारी 12वें दिन तक प्रकाशित कर देगा। तो मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करना या उनका निवारण करना 13वें दिन या 20वें दिन के बीच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चयन सूची का प्रकाशन 23वें दिन किया जाएगा। बिहार स्कूल होलीडे
तो ये था ये सारी जानकारी। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।